हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा T20 का हाफिज़ स्टेडियम लाहौर में खेला गया। आज लाहौर बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशन थी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग बैटिंग का इरादा किया, जो बांग्लादेश के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश ने खाली 136 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। तमीम इकबाल ने 65 रन, आफीफ हुसैन ने 21 रन और मोहम्मदुल्ला ने 12 रन बनाए, और उनका कोई भी बैट्समैन डबल फिगर्स में ही न जा सका। और पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, उनको रिस्ट्रिक्ट रखा 136 रन पर। पाकिस्तान की तरफ से हसनैन ने 2 विकेट ली, शाहीन शाह ने 1 विकेट ली, हारिस रऊफ ने 1 विकेट ली और शादाब खान 1 विकेट ली। सीरियसली पाकिस्तान की बॉलिंग ने आज साबित कर दी कि पाकिस्तान T20 पर नंबर 1 क्यों है, और उनको रिस्ट्रिक्ट रखा 136 रन पर। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तान का भी बहुत पुअर आगाज रहा। एहसन अली ने खाली 7 बॉलों पर 0 रन बनाए और 0 रन पर आउट हो गया। फिर उसके बाद बाबर आजम ने और हफीज ने 100 रन की पार्टनरशिप की। बाबर आजम ने 44 बॉलों पर 66 रन किए और हफीज़ की फाइनली फॉर्म वापस आ गई, क्योंकि पहले मैच में भी उसने खाली 17 रन की, दूसरे मैच में 67 रन किए 49 बॉलों पर, और पाकिस्तान मैच 9 विकेटों से जीत गया। पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बराबर रखनी थी। अगर पाकिस्तान ये मैच ना जीता तो पाकिस्तान को 1 से रैंकिंग लूज करके 2 पर आना पड़ता। अगर पाकिस्तान ये क्लीन स्वीप करते हैं बांग्लादेश को तो पाकिस्तान T20 नंबर 1 ही रहेगा, वरना पाकिस्तान को 2 पर आना पड़ेगा। और बांग्लादेश की तरफ से बिल्कुल ही थकी हुई परफॉर्मेंस थी, और बांग्लादेश टीम लग नहीं रही थी कि उसने अभी कोलकाता में इंडिया को मारा था। सीरियसली बांग्लादेश ऐसी टीम लग रही थी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी। और अब तीसरा मैच जो है मंडे को खेला जाएगा, मंडे या ट्यूसडे को खेला जाएगा, मुझे डेट याद है, 27 तारीख को खेला जाएगा। और हम होप फॉर द बेस्ट करते कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप करे, क्योंकि बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान भी नंबर 1 पर है। और पाकिस्तान ने पिछले 8 मैचों में पाकिस्तान की ये दूसरी विन है, तो अभी पाकिस्तान को चाहिए कि क्लीन स्वीप करे, क्योंकि श्रीलंका का बदला पाकिस्तान को बराबर कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोगों के लिए डेली क्रिकेट न्यूज़, क्रिकेट ओपिनियन वीडियोज़, व्लॉग्स या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।